हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ. मैं हूँ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फाइब्रॉइड, जिसको हम कहते हैं यूट्रस की गठान. ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है और मैं इस वीडियो में इसके साइंस, इसके सिम्टम्स, ये किस कारणों से होता है, इसका कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सब चीज़ें डिस्कस करी है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है. फाइब्रॉइड मतलब बच्चेदानी की गठान. अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड कर सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. एज वी ऑल नो दैट यूट्रस हैज़ थ्री लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड सीरोजा. सो अगर ये एंडोमेट्रियम के अंदर है, अगर वो इंटरनल है, तो छोटा फाइब्रॉइड भी अगर होगा तो उससे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. अगर ये मायोमेट्रियम में है तो दो तीन चार भी हो, और हो सकता है कि महिला को पता ही ना चले और जब वो किसी कारण से सोनोग्राफी किसी और रीज़न से कराने जाए तब वो पता चले कि हाँ इनको तो फाइब्रॉइड यूट्रस का भी प्रॉब्लम है. अगर ये फाइब्रॉइड सीरोजा मतलब यूट्रस के बाहर के लेयर में अगर ये फाइब्रॉइड है तो छोटे फाइब्रॉइड का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट इफ अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो इससे प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं. अगर ये यूट्रस के एंटीरियर वॉल पे है तो वो ब्लैडर को कंप्रेस कर सकता है, पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो सकती है, अजीब सा भारीपन लग सकता है. अगर ये पीछे की तरफ है जहाँ पे रेक्टम होता है तो ये रेक्टम को कंप्रेस कर सकता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है, पेशेंट को डिफिकेशन में परेशानी आ सकती है. अब फाइब्रॉइड वैसे फाइब्रॉइड इज़ अ बिनाइन कंडीशन, ये बिल्कुल कैंसर नहीं है. इसका ट्रीटमेंट लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ क्या सिम्टम लेके प्रेजेंट करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा. पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट ये कह सकता है कि मुझे जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं और जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं और क्लॉट्स पास होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे पैड्स लगाने पड़ सकते हैं जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं या पॉलीमेनोरिया कहते हैं. पॉलीमेनोरिया मतलब बार बार पीरियड आना, मेनोरेजिया मतलब पीरियड बहुत हैवी होना. ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं. इसके अलावा पेशेंट ये कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे प्रेशर सिम्टम्स की वजह से मरीज़ दिखाने आ सकते हैं, या हो सकता है कि उनको पहले छोटा फाइब्रॉइड हो और फिर अब वो वापस चेक कराने आए हो कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दैट फाइब्रॉइड राइट नाउ. या फिर ऐसी कोई यंग पेशेंट हो सकती है जिनकी शादी हो गई है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है. ऐसी पेशेंट्स आपको इस तरह के मरीज़ भी दिखाने आते हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है या बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं या फिर वीकनेस हो रही है. मरीज़ ऐसे कह सकते हैं कि मुझे थकान हो रही है, मैं थोड़ा चलती हूँ, हाथ सांस फूलने लग जाती है. मतलब अनीमिया के साथ भी मरीज़ दिखाने आ सकते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फाइब्रॉइड? आफ्टर ऑल ये होता क्यों है? ये सबको तो नहीं होता, सारी लेडीज़ को तो होता नहीं है, तो क्या कारण है? तो बेसिकली ये उन लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है. इसके लिए हमारे बुक्स में लिखा हुआ है फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40. ये ऐसी महिलाओं में होता है जिनका वज़न ज़्यादा हो, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, फर्टाइल हो. 35 से 40 साल की उम्र की महिलाओं में ये होता है. तो इट इज़ फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40. ठीक है, अब ये जेनेटिकली हो सकता है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो सकता है. इसके कुछ बहुत कम है जेनेटिक्स का इसका रिश्ता, लेकिन हाँ अगर जीन्स हैं आपके पास इस तरह के फाइब्रॉइड की तो वो डेफिनेटली आपको भी असर करेगा. लेकिन इसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल है. अगर आप जो पेशेंट ओबीज होते हैं, जो पेशेंट जो महिलाओं में मोटापा ज़्यादा होता है, उन लोगों में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है उन पेशेंट्स में, और उन लोगों में हाइपर इंसुलिनीमिया भी होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होगा, वो प्री डायबिटिक होंगे. तो ऐसी जो लेडीज़ हैं, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन. समटाइम्स दे आर हाइपोथायरॉयड ऑल्सो. कुछ बार वो ऐसी हिस्ट्री भी देते हैं कि मैं PCOD की भी पेशेंट रह चुकी हूँ, मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी रह चुकी है, मुझे बच्चा लगने में बहुत परेशानी आई, मेरे बहुत बार अबॉर्शन हुए. तो इट इज़ ऑल इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन. एंड जो दो मुख्य हॉर्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है इंसुलिन. तो अगर इन दोनों को मैनेज किया जाए बाई लाइफ स्टाइल एंड बाई डाइट एंड बाय एवरीथिंग, तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, एक लिमिट तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैनेजमेंट. तो इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड कितने हैं, फाइब्रॉइड कहाँ कहाँ पे हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम है, मरीज़ की उम्र क्या है. तो हम एक के बाद एक मैं एक सिनेरियो ले रही हूँ कि जैसे कि कोई पेशेंट है जो प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप की हैं और उनको एक फाइब्रॉइड है जिसका उनको नॉर्मल सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है. तो ऐसे पेशेंट्स में मेडिकल मैनेजमेंट मैं पहले देना पसंद करती हूँ, 3 महीना 6 महीना, क्योंकि जैसे ही उनकी महावारी चली जाती है, जैसे ही वो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो ईस्ट्रोजन जो इसको फीड कर रहा है, जो फाइब्रॉइड को फीड कर रहा है,
वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है और इसका ग्रोथ होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या कोई बहुत सीवियर प्रेशर सिम्टम्स हैं तो इसको रिमूव करना, अगर अगर फैमिली ख़त्म हो चुकी है, मतलब फैमिली उनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो बेस्ट इज़ टू रिमूव द एंटायर यूट्रस, जिसको हम हिस्टरेक्टमी कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फाइब्रॉइड किसी ऐसी महिला में है जो जिनकी जो भी जिनकी शादी हुई है और जो फैमिली प्लान कर रही है, जिनको बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, ऐसी महिलाओं में मायोमेक्टमी इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है, यूट्रस को इंटैक्ट रखा जाता है। ये लेप्रोस्कोपिकली भी आराम से हो जाती है और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद देखा गया है कि महिलाएं आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है वो उनको नहीं होते। लेकिन ना, आफ्टर मायोमेक्टमी मरीज़ को एटलीस्ट 6 महीना, महिला को एटलीस्ट 6 महीना इंतज़ार करना चाहिए, ताकि वो स्कार्स वगैरह मायोमेक्टमी के सब हील हो जाएँ और फिर वो कंसीव आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई यंग पेशेंट है जिसको जिसके छोटे से फाइब्रॉइड्स हैं, जिसको ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं है, एक सोनोग्राफी कराई गई और उसमें पता चला कि इनको फाइब्रॉइड निकले हैं विच आर छोटे, तो ऐसे लोग में हम 2 से 3 महीने में या 4 महीने में उनको हम फाइब्रॉइड की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। हम एक सीरियल सोनोग्राफी की रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं कि इतने महीने में इसका साइज़ बढ़ा है, घटा है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, इसके नंबर ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए, तो इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट ही दिया जाता है। और मोस्टली लाइक सपोज 60-70% पेशेंट्स में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आती, और अगर अच्छे से लाइफस्टाइल और डाइट और जो भी मैं टिप्स दे रही हूँ वो अच्छे से, जो दवाइयाँ मैं देती हूँ अगर वो अच्छे से ली जाए, तो ये ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होता, ये आसानी से ठीक हो जाता है। तो ये था फाइब्रॉइड। अब मैं बात करूँगी कि आप किस तरह की डाइट और किस तरह के लाइफस्टाइल को अक्वायर करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला, ये जो महिलाएं होती हैं, दे ऑल हैव ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देर आर टू हार्मोन्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओवरी से रिलीज होते हैं, जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अगर इम्बैलेंस हो जाए, मतलब अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा है बट प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज हो पा रहा है, जो किन कारणों में नहीं रिलीज हो पाता है, कि अगर PCOD है या महिला बहुत स्ट्रेस लेती है, तो जो प्रिकर्सर प्रोजेस्टेरोन का है वही प्रिकर्सर कॉर्टिसोल का भी है। तो अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा बनने लगेगा तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा और ऑटोमेटिकली पेशेंट विल बिकम ईस्ट्रोजन डोमिनेंट। सो आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो आपको रात को अच्छे से सोना है। किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस है, आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन स्पेशली फॉर वीमेन, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अप्लाई कीजिए, रात को अच्छी नींद लीजिए, एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और जितने भी ग्रेन्स आप कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम करना आप बंद कर दीजिए। ये पास्ता, कुकीज़, केक्स, मिठाइयाँ, लड्डू, ये जो भी हम खाते हैं वो आपको नहीं खाने हैं, बिकॉज यू आर नॉट, योर बॉडी इज़ नॉट वेरी गुड इन टॉलरेटिंग दीज टाइप ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको इसको थोड़ा कम करना है। आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम कीजिए, सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम कीजिए, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, डिपेंडिंग आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, उसके हिसाब से यू कैन चूज़ योर प्रोटीन। तो रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इंक्रीज योर फिज़िकल एक्टिविटी। ये सब चीज़ें अगर आपने अच्छे से फॉलो करी तो आपके हार्मोन्स अपने आप बैलेंस होने लगेंगे। और ये जो नॉर्मल, मतलब जैसे कि एक रैंडम हमने स्कैन करवाया, पेशेंट केम विद सम अदर सिम्टम्स, एक रैंडम स्कैन में अगर उनको फाइब्रॉइड छोटा डिटेक्ट हुआ, तो कई बार ये श्रिंक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दवाइयाँ अपना काम करती है, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग, आपको भी अपने शरीर के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो अगर कुछ मेरे पेशेंट्स हैं जो सीरियसली बहुत अच्छे से सब फॉलो करते हैं और उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, तो इस तरह से आप सर्जरी से बच सकते हैं, इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को मॉडिफाई करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल दोज लेडीज़ जिनको शायद ये वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हो पाए। थैंक यू।